हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही बड़ा न्यूज़ है आप लोगों के लिए, जो कि है सीजी व्यापम के वेबसाइट से। तो आप लोग सीजी व्यापम के वेबसाइट को अभी तक आप लोगों ने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वीडियो तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वैकेंसीज आनी स्टार्ट हो गई हैं और वैकेंसीज आ चुकी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर दोस्तों प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दिया गया है सीजी व्यापम के द्वारा। तो आगे इस वीडियो में पूरा डिटेल हम लोग देखने वाले हैं, क्या क्या वैकेंसीज हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वैकेंसी से रिलेटेड सारे अपडेट आप लोगों के लिए बिल्कुल टाइम पर लेकर के आता रहता हूँ। तो बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके आप लोग ऑल पर उसको सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूज़ को, देखते हैं कि इस प्रेस विज्ञप्ति में क्या कुछ कहा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य सम परीक्षा नवा रायपुर के अंतर्गत ज्येष्ठ सम परीक्षक और सहायक सम परीक्षक भर्ती परीक्षा एवं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत सहायक परियोजना क्षेत्रफल, तो ये जो है दो तरह की वैकेंसीज हैं, जिनमें एक में ज्येष्ठ सम परीक्षक और सहायक सम परीक्षक है और दूसरे में जो है सहायक परियोजना क्षेत्रपाल की जो भर्ती है उसके हेतु ऑनलाइन आवेदन के संबंध में ये प्रेस विज्ञप्ति है। और सारा डिटेल आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर देख पाएंगे, आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर से डायरेक्ट आप एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक की भर्ती, जिसको SAA 21 नाम दिया गया है, और उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे कि सहायक परियोजना क्षेत्रफल, जिसको BAPR 21 नाम दिया गया है। तो इन दोनों वैकेंसीज के लिए कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है और ये वैकेंसीज जो हैं आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर vyapam.cgstate.gov.in पर भर पाएंगे। डेट शेड्यूल यहाँ पर देख लीजिए, डेट शेड्यूल क्या रखा गया है। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि, यानी कि आज से ही ये स्टार्ट है, 5/11/2021 दिन शुक्रवार से ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भरने की जो अंतिम तिथि है वो 22/11/2021 रखी गई है, ज़्यादा दिन का समय नहीं है, तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों ऑनलाइन की त्रुटि सुधार करने के लिए आपको समय दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए दोस्तों ₹50 का शुल्क यहाँ पर से आप लोगों से लिया जाएगा। अगर आपकी कोई त्रुटि हो जाती है फॉर्म भरने में तो आप लोग उसको बिल्कुल सुधार पाएंगे, लेकिन ₹50 का शुल्क देने के बाद। और ये डेट आपका 23 से 25 नवंबर तक की डेट रखी जाएगी, 3 दिन आप लोग अपने त्रुटि सुधार कर पाएंगे। इसके बाद जो है प्रवेश पत्र जारी करने की जो तिथि है 2/12 होगी, यानी कि 2 दिसंबर आपका प्रवेश पत्र यहाँ पर से जारी हो जाएगा। और परीक्षा की जो संभावित तिथि रखी गई है वो दोस्तों रखी गई है 12 दिसंबर, ठीक है। तो जो संभावित तिथि है वो 12 दिसंबर की तिथि यहाँ पर रखी गई है आप लोगों के लिए, 12 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब एग्ज़ाम का समय क्या होने वाला है दोस्तों, दो अलग अलग समय में एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे कि यहाँ ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक के पद के लिए दोस्तों 9 बजे से 12:15 बजे तक एग्ज़ाम होगा, और जो है सहायक परियोजना क्षेत्रफल के पद के लिए जो है 2 बजे से 5:15 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। परीक्षा केंद्र की बात की जाए तो प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालयों में इसके परीक्षा केंद्र आपको देखने को मिल जाएंगे, और वो संभागीय मुख्यालय कौन कौन से होंगे आप सबको पता ही होगा, जैसे कि आपका रायपुर है, बिलासपुर है, और इसके बाद अंबिकापुर है, दुर्ग है, और आपका बस्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर संभागीय मुख्यालयों में आपकी परीक्षा रखी जाएगी, और जो है जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, वो सभी चीज़ें आपको अगले आगे के वीडियोस में बता करके अलग अलग सेपरेट तरीके से आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने सहायक संपरीक्षक और जिस संपरीक्षक के लिए और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, जैसे कि उसके सिलेबस और ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको कैसे प्राप्त करना है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओल्ड क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो नीचे उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है, PDF की लिंक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो है सहायक परियोजना क्षेत्रपाल के बारे में हर एक चीज़, उसकी सिलेबस की जानकारी आपको आगे वीडियो में दे दी जाएगी। और ज्येष्ठ संपरीक्षक सहायक संपरीक्षक के सिलेबस के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, एक बार फिर से उसके बारे में आपको अपडेट दे दिया जाएगा। तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दें, अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे प्रोत्साहन बढ़ता है आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।